नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे दोस्तों मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे कि आपके हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या आपका SSC GD का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का एग्जाम हो। दोस्तों हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार दोस्तों सेशन स्टार्ट होने से पहले वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज दोस्तों, मजा आने वाला है आप सभी को, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका टॉपिक है मानव शरीर के महत्वपूर्ण तत्व। आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? आप जानते हैं कि हमारी सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो दोस्तों हमारा सबसे व्यस्त अंग किसे माना जाता है? ऐसे दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों आपकी हिंदी मात्र 999 रुपए में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपए में, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपका 1499 रुपए में, PCS प्री कॉम आर ओ का 2499 रुपए में, UGC नेट का फर्स्ट पेपर दोस्तों आपका 999 रुपए में। और अगर आपको इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। इस नंबर पे आप सरलतापूर्वक कॉल कर सकते हैं दोस्तों, आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मानव शरीर के महत्वपूर्ण तत्व की, बहुत इंपॉर्टेंट है। केम पान यानी दोस्तों पेन और कलम लिए रहिएगा, जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा। मैंने आपको बताया दोस्तों, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आव जाते सिल पे पड़त निशान। तो जितना आप लिखेंगे उतना आपको दोस्तों याद होगा। जैसे अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी हड्डी क्या है, सबसे बड़ी हड्डी हमारी क्या है? फीमर है। तो सबसे बड़ी हड्डी यानी मानव अंग की सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए दोस्तों, ये आपके रीढ़ की हड्डी होती है। कौन सी होती है? फीमर। लिखिए दोस्तों क्या होती है सबसे बड़ी हड्डी, क्या है हमारी? फीमर है भाई, क्या है? फीमर है, लिखते जाइए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी यानी सबसे छोटी हड्डी हमारी कान की होती है दोस्तों, स्टेपिस का होती है। स्टेपिस दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की क्या है? स्टेपिस है दोस्तों। और सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन मानी जाती है? यकृत दोस्तों। क्या होता है? जो यकृत होता है दोस्तों वो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिए दोस्तों, जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा मेरे दोस्तों, तो इसलिए लिखते चलिए, ठीक है। अब बात की जाए कि भाई सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। जल्दी से लिखते रहिए दोस्तों, जितना लिखेंगे उतना याद है। सर आप हमारी क्लास में आए हैं आप सभी, तो कम से कम कुछ तो लेके जाइए, कुछ तो दिमाग में लेके जाइए कि हाँ आपको लगे कि हाँ सर रत्नेश सर ने बहुत अच्छा पढ़ा, कुछ तो हमारे दिमाग में है। तो उसके लिए आपको बस ये करना है बेटा, लिखना है, बस लिखना है। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, कॉपी कलम लिए रहेगा। यानी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है हमारे शरीर की? सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है दोस्तों। क्या है? न्यूरॉन है। तुरंत लिखिए, सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर की न्यूरॉन है। सबसे बड़ा सिरा क्या है दोस्तों? इनफीरियर वेना कोवा दोस्तों। क्या है? वेना कोवा। इनफीरियर वेना कोवा दोस्तों क्या है? सबसे बड़ा सिरा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों दो से तीन क्वेश्चन आपका इस स्लाइड में तैयार हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि सबसे बड़ी हड्डी क्या है, तो हम बताएंगे क्या? फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे छोटी हड्डी मानुष्य तन की क्या है? आपके कान की है, स्टेपिस।
और बात की जाए भाई सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथ की बात की जाए तो क्या है हमारा यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है दोस्तों। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ की बात की जाए तो क्या है, थायराइड ग्रंथि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो दोस्तों क्या है, न्यूरॉन है। सबसे बड़ी कोशिका किसे माना जाता है, न्यूरॉन को माना जाता है। और सबसे बड़ा सिरा की बात की जाए दोस्तों तो किसको माना जाता है, इन्फीरियर वेना कुआ को क्या कहते हैं, सबसे बड़ा सिरा माना जाता है दोस्तों, ठीक है। इन्फीरियर वेना कुआ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगर बात की जाए दोस्तों सबसे लंबी तंत्रिका की दोस्तों बात की जाए, अगर सबसे बड़ी लंबी तंत्रिका की बात की जाए तो सियाटिक होगा दोस्तों। क्या होगा, सियाटिक होगा सबसे लंबी तंत्रिका दोस्तों, क्या किसे कहा जाता है, सियाटिक। और सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का क्या होता है, त्वचा होता है दोस्तों। क्या होता है, सबसे बड़ा अंग हमारी त्वचा होती है। सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर की क्या होती है, हमारी त्वचा होती है। ये पॉइंट नोटेड माई स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है सबसे व्यस्त अंग, कई बार पूछा गया है कि हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है, हृदय है, हार्ट है दोस्तों। क्या है, हार्ट है, हृदय है दोस्तों। क्या है, हृदय है दोस्तों। क्या है, हृदय है, ठीक है, ये है दोस्तों हृदय, हार्ट है दोस्तों हमारा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है, संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। एक स्वस्थ शरीर में कितना होता है रक्त, 5 से 6 लीटर इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो दोस्तों, ये क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए सामान्य रक्तचाप की दोस्तों, तो सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। कितना होता है, 120-80 mmHg होता है सामान्य रक्तचाप दोस्तों। अब बात की जाए लाल रक्त कणों की संख्या पुरुषों की दोस्तों, दोस्तों लाल रक्त कणों की संख्या पुरुषों में 5.55 मिलियन क्यूबिक होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है आपके लाल रक्त कणों की संख्या पुरुषों में। अब पूछी जाए लाल रक्त कणों की संख्या महिलाओं में पूछी जाए तो 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक mm होता है दोस्तों। तो ये आपके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे लंबी तंत्रिका क्या है, सियाटिक है सबसे लंबी तंत्रिका। दूसरा क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ा अंग क्या है, तो चाहे लिखते जाइए दोस्तों, इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ कि आपको एक बार दिमाग में आपके आ जाए, एक बार दो बार जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में रहेगा, आपके ध्यान में रहेगा। और आप जितना अगर एक दो बार अगर आपने लिख लिया तब क्या बात है दोस्तों, सोने पर सुहागा तब तो आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे व्यस्त अंग क्या है हमारा, भाई हृदय है हमारा, हार्ट है, सबसे व्यस्त अंग हमारा हृदय है दोस्तों, ठीक है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है, 5 से 6 लीटर दोस्तों। क्या होता है, 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के यानी क्या होता है दोस्तों, रक्त होता है, ठीक है। सामान्य रक्तचाप की बात की जाए दोस्तों, सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है एक मनुष्य के में, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों लाल रक्त कणों की संख्या पुरुषों में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, 5.5 मिलियन क्यूबिक में mm दोस्तों, ठीक है। और लाल रक्त कणों की संख्या महिलाओं में अगर पूछी जाए दोस्तों तो 4.5 या 5 मिलियन क्यूबिक mm बताई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी महिला के हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं लाल रक्त कणों के जीवन काल की दोस्तों, ठीक है। तो ये है, तो दोस्तों अब पढ़ेंगे लाल रक्त कणों के जीवन काल। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। जो लाल रक्त कण होते हैं हमारी बॉडी में उनका जीवन काल होता है 120 डेज, 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है दोस्तों। और स्वर्गदाता रक्त समूह, यानी स्वर्गदाता रक्त समूह यानी किसी को भी वो ब्लड दे सकता है दोस्तों, यानी इस स्वर्गदाता रक्त समूह यानी किसी को भी वो ब्लड दे सकता है, यानी ओ समूह होता है दोस्तों। क्या होता है, ओ समूह होता है, वो कहता है स्वर्गदाता रक्त समूह माना जाता है, यानी ए को भी बी को भी सभी को ब्लड दे सकता है, ओ समूह होता है। ये बहुत ही रेयर केस में मिलता है दोस्तों। वो सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही यानी सब कुछ ग्रहण करने वाला ए बी समूह होता है दोस्तों। क्या होता है, ए बी समूह होता है, यानी कि सब कुछ ये ग्रहण कर सकते हैं, ए बी होता है रक्त समूह।
सामान्य शरीर का तापक्रम दोस्तों, सामान्य शरीर का तापक्रम कितना होता है, 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है। आपके हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 98.4 डिग्री। बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीज़ें दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे एग्ज़ाम में जब आ जाती हैं तो हमें अगर नहीं पता होता तो क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है और हमारा गलत हो जाता है। मस्तिष्क का भार दोस्तों कितना माना जाता है, आपका मस्तिष्क का भार दोस्तों 1400 ग्राम माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है हमारे एग्जाम में कि जो हमारा मस्तिष्क होता है इसका भार कितना होता है, तो इसका भार होता है 1400 ग्राम होता है दोस्तों। और सामान्य हृदय दर कितनी होती है दोस्तों, सामान्य हृदय दर हमारी 72 से 75 प्रति मिनट चलती रहती है। जो हमारी हृदय दर होती है दोस्तों कितनी चलती है, 72 से 75 प्रति मिनट चलती रहती है। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए लाल कणों का जीवन काल तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 120 दिन लिखते रहिए दोस्तों, जितना लिखेंगे उतना याद होगा आपको, लिखते रहिए। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना हो गया, 120 दिन हो गया। स्वर्गदाता रक्त समूह कौन हो गया, ओ समूह हो गया दोस्तों। अब बात करें स्वर्गग्राही रक्त समूह की, बात करें स्वर्गग्राही रक्त समूह कौन है, ए बी समूह हो गया दोस्तों आपका। समान शरीर तापक्रम हमारा कितना होता है, 98.04 डिग्री फॉरेन होता है हमारा। मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। समान हृदय दर 72 से 75 प्रति मिनट दर की होती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं दोस्तों, सारे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अपनी हिंदी मात्र 299 रुपये में। आप वीडियो की पुस्तक ले सकते हैं मात्र दोस्तों 199 रुपये में। पेट कॉम्बो अगर आपको लेना है तो मात्र आप 350 रुपीज़ में ले सकते हैं। पेट बुक आपकी दोस्तों सिर्फ 300 रुपीज़ में। आरओ यारो की पुस्तक अगर आपको लेना है दोस्तों तो मात्र 175 रुपीज़ में। लेखपाल कॉम्बो अगर आपको लेना है दोस्तों तो 300 रुपीज़ में। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, ये सारी दोस्तों क्या है आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री डिलीवरी है सारी पुस्तकें। इसका कोई भी आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आप मंगा सकते हैं और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें दोस्तों, ठीक है। ये है आपके लिए पुस्तकें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए बहुत ही लाभदायक है ये सारी पुस्तकें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको कोई पुस्तक मंगानी है तो आप मंगा सकते हैं सरलतापूर्वक। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। सभी जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल सभी जानते हैं, पर क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में जब दोस्तों ऑप्शंस कई आ जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में हमारे माइंड में बहुत ही प्रेशर होता है तो हमारा सही आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलत कर रहा हूँ तो बताइए आप लोग। कई बार कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आते हुए क्वेश्चन भी क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, प्रेशर दोस्तों, एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है। तो इसीलिए दोस्तों इन चीजों को भी जानते हैं। तो मेन है कि आप जितना लिखेंगे सर तो उतना ही आपको याद होगा, उतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। यानी शरीर में कुल अस्थियों की संख्या तुरंत लिखिए, 206 दोस्तों कितनी होती है, 206 होती है। शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 कितनी होती है, 639 होती है। शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा कितना होता है, 65% होता है। कितना होता है जल का हिस्सा, 65% होता है दोस्तों। कितना होता है लिखते जाइए दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी अगर बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है, क्या है हमारे का एब्डोमिनल एओर्ट दोस्तों। क्या है एब्डोमिनल एओर्ट हमारी, क्या है सबसे बड़ी धमनी है। कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। सबसे बड़ी पेशी अगर हमसे पूछा जाए कि भाई सबसे बड़ी पेशी क्या है, तो ग्लोटियस मैक्सिमस पेशी है दोस्तों। क्या है ग्लोटियस मैक्सिमस पेशी है। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी पेशी क्या है, सबसे छोटी पेशी की बात की जाए तो स्टेपेडियस दोस्तों क्या है, सबसे छोटी पेशी मानी जाती है। स्टेपेडियस दोस्तों सबसे छोटी पेशी मानी जाती है, बिल्कुल सही आंसर है।
तो दोस्तों ये चीज़ें जो हैं हमारे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी शरीर में कुल अस्थियों की संख्या पूछा जाता है 206 है, शरीर में कुल पेशियों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए 639 है, शरीर में कुल भार में जल का हिस्सा कितना है 65% है दोस्तों, सबसे बड़ी धमनी अगर आपसे पूछी जाए तो एबडोमिनल एओर्ट है दोस्तों, सबसे बड़ी पेशी अगर आपसे पूछी जाए तो ग्लूटियस मैक्सिमस है दोस्तों, सबसे छोटी पेशी अगर आपसे पूछी जाए तो स्टेपिडियस है दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण क्या है, मोनोसाइट है दोस्तों, क्या है मोनोसाइट, लिखते जाइए क्या है सबसे बड़ा श्वेत है, मोनोसाइट है दोस्तों, क्या है मोनोसाइट है, क्या है मोनोसाइट है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई सबसे अधिक पुनर्ध्वन कौन सा है, यकृत कोशिका है, कौन सी है यकृत कोशिका है, लिखते चलिए, सबसे पतली त्वचा कौन सी है, कंजंक्टिवा है दोस्तों, क्या है कंजंक्टिवा है, कंजंक्टिवा है दोस्तों, क्या है कंजंक्टिवा है, क्या है सबसे पतली त्वचा आपकी, क्या है कंजंक्टिवा है। श्वेत रक्त कण WBC का सामान्य काउंट कितना है, 5000 से 10000 क्यूबिक mm है दोस्तों, कितना है 5000 से 10000 क्यूबिक mm है दोस्तों। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, कितना होता है 2 से 5 दिन होता है। DLC बेसोफिल्स कितना होता है, 0 से 5% 1% दोस्तों, क्या होता है आपका DLC बेसोफिल्स दोस्तों, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इसमें सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन है, मोनोसाइट है दोस्तों, ये है आपके लिए। सबसे अधिक पुनर्ध्वन क्या है, यकृत कोशिका है। सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल, ये इंपॉर्टेंट है 2 से 5 दिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना नहीं है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। अब बात करें DLC इंसोफिलसिस दोस्तों, 1 से 0.3% 1 से 3.0% DLC मोनोसाइट्स दोस्तों 3.0% 8% ये होगा। DLC न्यूट्रोफिल्स कितनी होती है, 40 से दोस्तों 70% DLC लिम्फोसाइट्स कितना, 20 से 25% रक्त प्लेटलेट्स काउंट कितनी होती है दोस्तों, 20,000 से 40,000 प्रति क्यूबिक mm होगा। हीमोग्लोबिन का परसेंट पुरुषों में दोस्तों, अगर पूछे तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन का परसेंट कितना होता है, 14 से 16 ग्राम, यानी 100 cc रक्त दोस्तों, यानी 100 cc रक्त होता है हीमोग्लोबिन का परसेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले भाई हीमोग्लोबिन का परसेंट महिला में कितना होता है, तो आप बताएंगे 12 से 14 gg 100 cc रक्त दोस्तों, ठीक है, और पुरुषों में कितना है 14 से 16, और हीमोग्लोबिन महिलाओं में कितना है 12 से 14, यानी पुरुषों में ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन और महिलाओं में क्या होता है कम होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपये में। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हिंदी में आपका कोई भी टॉपिक, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, ये टॉपिक हिंदी में टफ माने जाते हैं दोस्तों, तो आप एक बार सर की यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है, आप उसको देखिए, आपको लगेगा दोस्तों कि वाकई में नितिन सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको हिंदी पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे ट्रिक से, बहुत ही सरल भाषा से दोस्तों पढ़ाया है, फिर आप इस बैच को ज्वाइन करिए दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा दोस्तों। हिंदी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हमारी अच्छी तैयारी है, अगर हम थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं, तो उसको और अच्छा करके हम हिंदी में 30 में से 30 ला सकते हैं दोस्तों, 30 में 28 या 29 तो हमारा ही जाता है, एक आध क्वेश्चन तो दोस्तों गलत ऑप्शन ही होता है, इस वजह से गलत हो जाता है। 30 में 30 लाने का आदमी प्रयास करता है, पर 30 में 30 किसी का नहीं होता सही, एक आध क्वेश्चन तो गलत ही दे देता है आपका विभाग। तो इसलिए दोस्तों ये है कि आपका 90% 99% आपका हो जाएगा दोस्तों। तो ये है, अगर आप इनकी नितिन सर की क्लास करते हैं तो आपका को अच्छे मार्क्स आ जा सकते हैं हिंदी में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है श्वसन दर की अगर बात करें दोस्तों, तो 16 से 20 प्रति मिनट क्या होता है आपका श्वसन दर होता है। दंत सूत्र या वयस्क मनुष्य की बात करें दोस्तों, तो यानी कितना होता है 32 होता है उसमें, कितना होता है 32 होता है दोस्तों, यानी दंत सूत्र वयस्क मनुष्य में कितना होता है 32 होते हैं। और दंत सूत्र की बात करें अगर बच्चों में दोस्तों, तो बच्चों में कितने पाए जाते हैं, बच्चों में 20 पाए जाते हैं, बच्चों में कितने पाए जाते हैं 20 पाए जाते हैं दोस्तों। ये पूरा काट के ऐसे किया गया है, तो
20 होता है और 32 होता है। और क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या दोस्तों कितनी पाई जाती है, 11 जोड़ी पाई जाती है। कितनी? क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी पाई जाती है, 11 जोड़ी पाई जाती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों, 31 जोड़ी पाई जाती है। और गैस्ट्रिक जूस का पीएस मान कितना पाया जाता है, 1.4 माना जाता है दोस्तों। कितना पाया जाता है, 1.4। अब दंत सूत्र वयस्क मनुष्य का कितना होता है दोस्तों, 32 होता है, ये ध्यान रखिए। श्वसन दर 16 से 20 प्रति मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों में अगर पूछ लेता है तो 20 होता है दोस्तों, ठीक है। क्रोनिकल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 11 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान होता है 6.0 दोस्तों। कितना होता है, 6.0 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.35 होता है। और पैक्ट्रियाटिक जूस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 8.5 होता है। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या भी मैंने आपको बताया 206 होगा, शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 होगा। इसको लिखिए दोस्तों, अस्थियों की संख्या कितनी होगी, 206। जितनी बार लिखे हैं 639 कितनी क्या है दोस्तों, पेशियों की संख्या है। किसकी संख्या पूछी गई है, पेशियों की संख्या कितनी है, 639 है। शरीर में कुल भारत में जल का हिस्सा कितना है, 65% है दोस्तों। कितना है, 65% है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा हैंडराइटिंग की पुस्तक लिखी गई, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राजव्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। दोस्तों अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुस्तकें आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। क्योंकि नितिन सर ने इसमें जो भी सिलेबस चूज़ किए हैं, जो भी चीज़ें लिखी हैं, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, आपके कंपटीशन को देखते हुए सर ने सारे चैप्टर्स चूज़ किए हैं और उनको इसमें डाला है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आपकी, चाहे आप प्राचीन इतिहास की ले सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास की ले सकते हैं, आधुनिक इतिहास की, सामान्य इतिहास की, भारतीय राजव्यवस्था की, इंडियन ज्योग्राफी की, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी पुस्तकें आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इनको लेने में कोई दिक्कत तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप जानते हैं, आप आसानी से ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों। क्योंकि मानव से शरीर से संबंधित सारी चीज़ों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या आपका दोस्तों वो सी टेट का एग्ज़ाम हो, या यूपी पुलिस या यूपीएसआई का इसका एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपसे एक से या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए दोस्तों, आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। और मैंने आपको बताया है दोस्तों, आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसका सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है, और एक ब्रह्मास्त्र वाण है, वो क्या है दोस्तों, वो है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना आप सफलता के करीब पहुँचेंगे दोस्तों। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको दो फायदा हो रहा है दोस्तों, दो फायदा। पहला फायदा क्या है आपको, टाइम मैनेजमेंट। क्या है आपका, टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट होगा आपका, टाइम मैनेजमेंट। यानी कि दोस्तों कब हमें कौन सा यानी कि लगाना है, आपको मालूम चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना समय देना है। आपको पता चल जाएगा कि हमें हिंदी में कितना समय देना है, हमें हिंदी में कितना समय देना है, हमें मैथ्स में कितना समय देना है, हमें साइंस में कितना समय देना है, हमें क्या कहते हैं साइंस में कितना समय, हमें इन्वायरमेंट में कितना समय देता है, इन्वायरमेंट साइंस सब उसमें मिला रहता है दोस्तों।
तो इन्वायरमेंट सीडीपी में हमें कितना समय देना है, सीडीपी में हमें कितना, और लैंग्वेज आपकी हो गई, अगर लैंग्वेज है आपकी संस्कृत है तो संस्कृत में कितना समय देना है आपको, अगर आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश में कितना समय देना है। तो ये चीज़ें आपका किससे पता चलता है, आपके टाइम मैनेजमेंट से पता चलता है। किससे पता चलता है, आपके टाइम मैनेजमेंट से। जितना आप जितना टाइम मैनेजमेंट से, तो वो कैसे पता चलेगा, वो जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अगर आपको दोस्तों टेट या सुपर टेट या सी टेट में सफल होना है, तो मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, सिर्फ एक रामबाण, आप अभी से दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ कर दीजिए। रोज एक सेट लगाइए दोस्तों, रोज एक सेट लगाइए, ठीक है, एक सेट लगाइए, और ऐसा सेट लगाइए जैसे कि आपको लगे कि हाँ यार वाकई में जितने क्वेश्चन आपने पढ़े, जैसे जैसे आपने 50 क्वेश्चन या 150 का एक सेट लगाया, आपने 150 का एक सेट लगाया, तो दोस्तों ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 150 में 140 क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, 130 क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, कि अगर वो क्वेश्चन अगर आ जाते हैं आपके सामने तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपके दिमाग में आ गए, जैसे ही वो आपके सामने आए, ऑप्शन तो होते ही हैं दोस्तों, जैसे ही आपके सामने आए, जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आया, तुरंत आप उसको, अरे यार इसका तो ये आंसर होगा, इसका तो ये आंसर होगा, तुरंत आप उसका आंसर मारिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और ये चीज़ आएगी कैसे, ये चीज़ आएगी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से दोस्तों। तो जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आप सफलता के करीब पहुँचेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर डे दोस्तों एक सेट आप लगाते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा दोस्तों, ठीक है। एक बार रत्नेश सर की अपने बात मानिए दोस्तों, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में सर बहुत अच्छा ट्रिक हमें बताए हैं, देखिए आप सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों, आपके अंदर इम्प्रूव होगा। जैसे आप जैसे 10 दिन 15 दिन या 20 दिन आप लगा के देखिए, देखिए आपके अंदर कैसा इम्प्रूव होता है। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई दिक्कत या परेशानी कोई भी बात हो दोस्तों, आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की आप सभी को। आज के लिए इतना ही, कल फिर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।